Hello everyone. Today we will do Dalton's law of partial pressure. ठीक है? Dalton's law of partial pressure क्या कहता है कि अगर अगर volume और temperature constant हैं, ठीक है? Temperature and volume constant हैं और किसी system में एक number of एक mixture of non-reactive gases है, ठीक है? तो उस system का जो total pressure होगा, वो उन gases के इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा. लाइक सपोज एक मिक्सचर है फाइव गैसेस का, ठीक है? एंड ये जो पांच गैसेस हैं ये नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट गैस का प्रेशर प्लस सेकेंड गैस का प्रेशर प्लस थर्ड गैस का प्लस फोर्थ गैस का प्रेशर एंड देन प्लस फिफ्थ गैस का प्रेशर. मतलब सभी गैस के प्रेशर को, इंडिविजुअल प्रेशर को जब आप ऐड कर दोगे तो वो आपको टोटल प्रेशर देगा उस मिक्सचर का, ठीक है? ओके, क्लियर? तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे. पता है ना पार्शियल क्यों कहा है? क्योंकि ये जो प्रेशर है ये मिलकर टोटल प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है? ओके, मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो किससे बना है? P1, P2, P3 से बना है ना. तो P1 को और P2 या P3 को इंडिविजुअली को हम क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर कहेंगे, ठीक है? ओके, तो उसके बाद एक और चीज है कि जनरली अगर आपने प्रेशर देखा है किसी लिक्विड के ऊपर, ठीक है? तो लिक्विड मान लो कोई सॉल्यूशन है उसके ऊपर आप प्रेशर स्टडी कर रहे हैं, कितना प्रेशर है. तो जनरली क्या होता है कि लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर होता है, जो वेपर्स होते हैं वो वेट होते हैं ना, क्योंकि जब भी कोई लिक्विड ओपन फेस में रहता है, ठीक है, तो गैस का साथ के साथ मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल होता है, ठीक है? गैस भी एक्सचेंज हो जाती है और वाटर भी एक्सचेंज हो जाता है. एक मिनट में दिखा देती हूँ. यहाँ से जैसे ये है, कोई ये बीकर है, इसमें ये लिक्विड है, ठीक है? इतना लिक्विड है, ठीक है? इसके ऊपर कुछ मान लो गैस कलेक्टेड है. यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है ना, यहाँ पर क्या है? कुछ गैस कलेक्टेड है ना. मेरा कहने का मतलब, अगर मैं इस गैस का प्रेशर को स्टडी करना चाहती हूँ तो जनरली पहली बात मैंने बोला कि ये जो गैस होगी ये मॉइस्ट गैस होगी, है ना? मॉइस्ट होगी, वेट होगी या मॉइस्ट होगी. क्यों बोल रही हूँ मॉइस्ट या गैस, मॉइस्ट या वेट होगी ये? क्योंकि ये जो है ये एक ओपन सिस्टम है ना. यहाँ से कह रहे ये लिक्विड, ये बीकर खुला है ना, ओपन बीकर है ना, क्लियर? तो यहाँ पर ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स लिक्विड फेस को छोड़कर गैसियस फेस में चले जाते हैं ना. लिक्विड फेस को छोड़कर गैसियस फेस में चले जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑलरेडी अदर गैसेस होंगे वो वेट हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर? ओके, तो ऐसे केस में क्या करना है कि जहाँ पर किसी सॉल्यूशन के ऊपर जो कलेक्टेड प्रेशर है उसको स्टडी करना चाहते हो, तो वहां पर आपका जो पी ड्राई गैस मतलब जो उसमें से जो गैस कलेक्टेड हुई है वो तो वेट है. हमको ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए, हमको वेट का नहीं चाहिए, क्योंकि वेट गैस के प्रेशर में लिक्विड का भी वेट होगा, है ना? कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो गैस से जाकर स्टिक हो गए हैं, ठीक है? तो ड्राई गैस का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर में से आपको एक्वस टेंशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, एक्वस टेंशन आप माइनस करोगे तो आपको ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा. यहाँ पर पानी की जो एक्वस टेंशन है वो आपको दे रखी है डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है? क्लियर? कि कितनी एक्वस टेंशन होती है, जैसे 273 पर 0.060 है ना, 288.5 पर 0.0168 है. ये क्या है? ये 0.0168 ये एक्वस टेंशन है. ओके, तो आप निकाल सकते हैं. उसके बाद हम इस लॉ को एक और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले P1 को अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, वी नो दैट कि PV इज इक्वल टू NRT, है ना? PV इज इक्वल टू NRT, देन P विल बी इक्वल टू NRT बाय V, है ना? तो P1 क्या हो जाएगा? NRT बाय V. ओके, क्योंकि अब मैं यहाँ पे देखो T और V को हमने कुछ चेंज नहीं किया, T और V, है ना? क्योंकि T और V हम कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है? डाल्टन्स लॉ में हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है. P2 में क्या है? N2 RT/V हो जाएगा. P3 क्या हो जाएगा? N3 RT/V, है ना? सिमिलरली तो इस इक्वेशन में जो डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन है, PV टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 बाय
P2 plus P3, वहां पर आपने P1, P2, P3 की वैल्यू पुट कर ली है। जैसे P1 की वैल्यू थी N1 RT by V, P2 की वैल्यू थी N2 RT by V और P3 की वैल्यू क्या है N3 RT by V। तो जब आप इन तीनों की वैल्यू पुट कर दोगे, आप देख रहे हो यहाँ पर RT by V क्या है, तीनों में कॉन्स्टेंट है ना, RT by V तीनों में कॉन्स्टेंट, तो RT by V को आपने बाहर निकाल दो और बचा गया क्या ब्रैकेट में N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है ओके। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये पी टोटल आया, तो ये P1 को डिवाइड कर रहे हैं पी टोटल से, P1 को डिवाइड हो रहे हैं पी टोटल से, तो कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी N1 by N, ठीक है N1 by N, ठीक है N1 by N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और N क्या है, N है आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आप जब फर्स्ट कंपोनेंट के मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करोगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, दैट इज योर X1, ठीक है X1 इज द मोल फ्रैक्शन। तो मतलब P1 by P total किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है फर्स्ट गैस जो भी है आपका। सिमिलरली आप एक जनरल इक्वेशन बता सकते हो कि किसी भी यहाँ पर कि जो PI होगा किसी भी गैस का प्रेशर किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो, देखो P1 by P total किसके इक्वल आया, X1 के इक्वल आया ना, तो P1 क्या हो जाएगा, X1 into P total है ना, अगर मैं P total को इस तरफ लेके जाऊँ राइट साइड इक्वेशन के, ठीक है तो X1 into P total हो जाएगा इज इक्वल टू P1, ठीक है। तो सिमिलरली PI क्या है, I कोई एनी कॉम्पोनेंट, किसी भी कॉम्पोनेंट का किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आपको उस गैस के मोल फ्रैक्शन को उस सिस्टम के टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर मिल जाएगा, ओके क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, आप एक करके देख लेना, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा ही है जैसे अभी तक। हाँ ये बता दें, यहाँ पर ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ये सब नहीं करना है। 5.7 जो है वो नहीं करना है टॉपिक, सिमिलरली 5.8 भी नहीं करना है, ठीक है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। उसके बाद एक मिनट में बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एंड डेविएशन फ्रॉम क्या बोलते हैं आपका, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, एक मिनट इसको मैं बताती हूँ आपको। ठीक है तो हमने डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर हमें करना है, ओके। बाकी 5.8 और 5.7 मत करना, ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में है, ठीक है 5.9 ये करना है आपने। उसके बाद देखो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, जैसे मैंने बताया था कि आइडियल गैस का जो कंसेप्ट है दैट इज कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जितनी गैसेज हैं वो आइडियल एग्जैक्टली आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती हैं, वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। डेविएशन मतलब कि उसकी जैसी नहीं होंगी, है ना, उसे अलग तरह से बिहेव करेंगे। यहाँ पर एक आपको ये प्लॉट दिख रहा होगा PV versus P, है ना PV versus P, ओके। तो ये प्लॉट में देखो आपके आइडियल गैस का दिखा रखा है, ये जो एक लाइन है ये आइडियल गैस के लिए है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की पूरी, है ना क्लियर। तो जबकि हीलियम कैसे दिखा रहा है, हीलियम ऐसी लाइन शो कर रही है, ये वाली है ना, ये हीलियम की है, इधर हाइड्रोजन की है ना। अब देखो कि आइडियल गैस ऐसी होनी चाहिए, हीलियम का बिहेवियर थोड़ा सा पास है आइडियल गैस से बट डिफरेंट है ना, सिमिलरली हाइड्रोजन का और डिफरेंट है। अब देखो ये जो है ये और ज्यादा लगती किसी बिहेव कर रहे हैं, कौन सी, CO और CH4, है ना CO CH4 गैस। देखो ये नीचे नेगेटिव डेविएशन भी दिखा रही है ना, ये देखो इससे ऊपर जो दिखाएगा अगर लाइन इससे ऊपर आती है आइडियल गैस के ऊपर तो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर इस लाइन के नीचे कोई ग्राफ जा रहा है यहाँ पर तो वो नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है क्लियर। तो ये जो देखो नीचे की तरफ आया ये आपके CH4 का आया है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो लाइन है ये वाली दिस वन, ओके ये CO की, ये भी नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं CO एंड CH4, क्लियर ओके। उसके बाद देखो
यहाँ पर एक और ग्राफ देखना है प्रेशर एंड वॉल्यूम का। ये तो पीवी प्लस वर्सेस पी का था, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका है क्या बोलते हैं क्लियर दिस वन, ये रेड लाइन जो है आपकी ये आइडियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्रेस, आइडियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्रेस कर रही है ये रेड लाइन, ठीक है दिस वन। ओके तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस वन एट दिस पॉइंट आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ मिल रहा है ना ये, क्योंकि ब्लू लाइन जो है वो रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्रेस करती है। तो ये रेड और ब्लू कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, तो यू कैन सी हेयर, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किसको कोरस्पोंडेंस करती है, अगर आप देखो ना ये जो लाइन है आपकी यहाँ पर, अगर मैं इसको फर्दर ऐसे मिलाऊं, सॉरी यहाँ पे मिलाऊं, ये देखो तो मैंने देखा कि ये प्रेशर यहाँ पे कोई प्रेशर की वैल्यू होगी और ये प्रेशर बहुत कम होगा, है ना, देखो नीचे वैल्यू आ रही है, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है व्हेन प्रेशर इज लो, है ना, यू कैन सी हियर, ठीक है। उसके बाद तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही बिहेवियर शो कर रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा बिहेवियर में, बट हाई प्रेशर पर ये एक दूसरे से काफी दूर दूर है, बट लो प्रेशर पर एक दूसरे की जैसी होती जा रही है, मतलब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी एट लो प्रेशर, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आता है कि अब उसके बाद कि गैसेस क्यों डेविएट करती हैं, रियल आइडियल जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस की जैसे क्यों नहीं बिहेव करती, क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी है ना उन्होंने ये अज्यूम किया था, काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया है आइडियल गैस के बिहेवियर को, वो ये अज्यूम करती है कि जो आइडियल गैस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। वो क्या कहते हैं कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है ना, एक्चुअली में क्या होता है कि डेफिनेटली देयर विल बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। बट काइनेटिक थ्योरी ये अज्यूम करती है कि जो गैसेज होंगी, जो आइडियल गैस होगी उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन तो ये है, ठीक है। ओके सेकेंड क्या है, काइनेटिक थ्योरी एक बात और कहती है कि जो वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल का, गैस के मॉलिक्यूल का, वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, नेग्लिजिबल स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। सपोज करो अगर वो कह रही है कि अगर यहाँ पर मान लो इतनी गैस है, इतनी सारी गैस ऑक्यूपाइड हो रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस, जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, लाइक एंड डॉट आई कैन ड्रॉ इट। तो जैसे ब्लैक डॉट है ना, मैंने बोला कि अगर ये पूरी गैस का वॉल्यूम है पूरा जो मैंने सर्कल से ड्रॉ किया है, तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम सिर्फ इतना होगा, मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है ना, कि आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ये काइनेटिक थ्योरी का अजम्पशन है, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतना कम नहीं होता मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम टोटल गैस की वॉल्यूम के कंपैरेटिवली, ठीक है। डेफिनेटली उतना, मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का रहता है, एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का भी रहता है, ठीक है। ओके तो ये दूसरा रीजन था। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और हमने, हाँ यहाँ पर हम अब करेक्शन करेंगे, आइडियल गैस बिहेवियर में हमने करेक्शन करनी है। करेक्शन क्यों करनी है, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन में हमने करेक्शन करनी है, क्योंकि गैसेस जो है वो बिल्कुल आइडली बिहेव नहीं कर सकती, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है, और जो उनके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है गैस के वो इतना भी स्मॉल नहीं होता कि हम उसे नेग्लेक्ट करते, ठीक है, क्लियर। तो हम इसलिए क्या करेंगे, जो हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, उसमें हम करेक्शन करेंगे, क्योंकि हम अब जो इक्वेशन दिखाने जा रहे हैं वो रियल गैस के लिए है, ठीक है। ये जो इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं ये किसके लिए, रियल गैस के लिए। PV इज इक्वल टू nRT किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है। तो देखो प्रेशर में इन्होंने करेक्शन किया है, पी आइडियल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व प्रेशर प्लस करेक्शन टर्म, ठीक है। करेक्शन टर्म है ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर, ए एक कॉन्स्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल, और वी क्या है वॉल्यूम, ठीक है। तो कहते हैं कि जितना आपने प्रेशर ऑब्जर्व किया है उससे ज्यादा प्रेशर होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आ रही है,
ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आई? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो कुछ रिपल्स, अब मॉलिक्यूल्स अगर जब एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन पॉसिबल है ना, क्लियर। तो मे भी हो सकता है कि कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी आए। मान लो कोई दो मॉलिक्यूल्स ऐसे पास में आ रहे हैं जिनके पास आने से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है, तो कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, है ना। तो वो भी अपना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे सिस्टम पर, है ना, क्लियर। तो इसलिए जो टोटल प्रेशर होगा, है ना, वो दो प्रेशर का सम होगा, एक तो ऑब्जर्व प्रेशर जिसे हम रियल प्रेशर कहेंगे, जो एक्चुअल में प्रेशर है गैस का, प्लस साथ में क्या होगा, साथ में आपका एन स्क्वायर वी स्क्वायर, जो प्रेशर आपके अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस की वजह से सिस्टम में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो एक तो पहले ये फर्स्ट करेक्शन ये याद रखनी है, प्रेशर में करेक्शन जो हमने की है। और यहाँ पर ए, ए आपको मैं बता दूँ, ए बहुत सिग्निफिकेंट है। ए का वैल्यू ऑफ ए है, ये आपको बताता है कि कितना ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा विद इन द गैस, ठीक है, क्लियर। ए की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पर, ठीक है। अगर ज़्यादा इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस हैं तो ए ज़्यादा है, अगर कम इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस हैं तो ए कम होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर नाउ वॉल्यूम में करेक्शन, सेकेंड करेक्शन किस में करनी है, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम को इन्होंने पहले V अज्यूम किया था, है ना। देखो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो कहती है PV इज इक्वल टू nRT, है ना, ठीक है। अब ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो V नहीं एग्जैक्टली, वो V माइनस एन भी है, ठीक है। B कोई कांस्टेंट है और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो n भी क्या होगा, एक्चुअल में n भी होगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स, ठीक है, क्लियर, ओके। तो मान लो जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि उन्होंने पहले नेग्लिजिबल कंसिडर किया था काइनेटिक थ्योरी ने, बट हम कह रहे हैं कि सपोज करो अगर ये पूरा गैस ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, गैस ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और सपोज करो कि मॉलिक्यूल्स का है जो मतलब इतना मॉलिक्यूल्स ने इसमें ऑक्यूपाई कर रखा है, इतना वॉल्यूम किसने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है, मॉलिक्यूल्स ने। तो गैस के पास अवेलेबल वॉल्यूम कितना बचा है जिसमें मतलब मूव कर सकते हैं पार्टिकल या कुछ भी, अट्रैक्शन या रिपल्शन जब होगी तो ऑब्वियसली मोशन आएगा ना, ठीक है। तो वो जो अवेलेबल स्पेस है वो कितना है, वो इतना है, ये वाला This one, इसको मैं रेड कलर से शो करूंगी, ये जो आपका स्पेस बचा है, सॉरी ये खाली स्पेस है ना, ये वाला स्पेस जो है पूरा, ये आपका क्या है, ये अवेलेबल स्पेस है, ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है, पूरा ये पूरा आपका अवेलेबल स्पेस है, इस ब्लैक वाले को बस इग्नोर कर दो, बाकी अवेलेबल स्पेस है, ओके, क्लियर। तो अगर मैं ये बोलूं ना, ये टोटल गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, मान लो ये जो दूसरा सर्कल है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका समझो ये आपका गैस, वो जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है जो रेड कलर का है, मैंने कह दिया ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। और तो अभी अवेलेबल वॉल्यूम कितना बचा जी, अवेलेबल वॉल्यूम कितना बच गया आपके पास, अवेलेबल वॉल्यूम बचा है आपके पास ये वाला, ये जो एम्प्टी स्पेस बचा है ये वाला, ये अवेलेबल वॉल्यूम है पूरा, सॉरी सर्कल के अंदर अंदर, ठीक है, ये क्या है, अवेलेबल वॉल्यूम है आपका पूरा इस सर्कल के अंदर, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर अगर आपका पहले टोटल वी उस पूरे सर्कल को ही, ये पूरा ही, वो पहले क्या कह रहे थे कि जितना स्फीयर के अंदर वॉल्यूम है वो सारा का सारा अवेलेबल स्पेस है, बट हमने देखा कि क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को काउंट नहीं कर रहे थे, काइनेटिक थ्योरी है ना, तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स का भी कुछ वॉल्यूम है, हमने उसको कहा कि सपोज कि इतना वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का है तो अवेलेबल स्पेस जो है गैस के लिए वो तो कम हो गई ना, क्योंकि इतना वॉल्यूम तो किसने ऑक्यूपाई किया, मॉलिक्यूल्स ने कर रखा है, तो जो मोशन के लिए जो स्पेस बचेगा वो तो कम हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर टोटल वॉल्यूम वी था तो सपोज करो एन बी जो वॉल्यूम है, एन बी क्या है, एन बी वो वॉल्यूम है जो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दिस वन, ये रेड वाला सर्कल, ये एन बी है आपका, ठीक है। तो वी क्या था, पूरा, ये पूरा वी है, पूरा सर्कल जो क्या स्फीयर के अंदर जो वॉल्यूम है वो पूरा वी है। तो ये जो ग्रीन स्पेस, ग्रीन स्पेस जो बचा है ये कितना होगा जी, ये कितना हो जाएगा फिर,
वी माइनस एन बी, मतलब अवेलेबल स्पेस कितना बचा मोशन के लिए, वी माइनस एन बी, ठीक है। तो ये आपकी वॉल्यूम करेक्शन है इसमें, क्लियर। तो आपकी जो इक्वेशन है नाउ, ये थोड़ी सी हम मॉडिफाई करें, प्रेशर को क्या लेना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था ना, तो प्रेशर को अब क्या लेना है, प्रेशर में हमने ऐड किया है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद। वी को क्या लेना है, वी माइनस एन बी लेना है, इज इक्वल टू एन आर टी। इधर राइट साइड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड में चेंज है, ठीक है। अब ये जो 5.31 है, ये आपकी रियल गैस इक्वेशन है, 5.31 इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड ए और बी को हम क्या बोलते हैं, ए और बी आपके कॉन्स्टेंट है, क्या नाम है इनका, वंडरवाल कॉन्स्टेंट, ठीक है, वंडरवाल कॉन्स्टेंट। और मैंने बताया था ए की जो वैल्यू है वो आपको बताएगा कि कितना मैग्नीट्यूड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़नी है इसमें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, ठीक है। देखो डेविएशन जो हो रही है आइडियल बिहेवियर से, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, हम उसको स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, दैट इज योर जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज योर जेड, एंड जेड इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल अपॉन एन आर टी। जेड की वैल्यू क्या है, पी वी अपॉन एन आर टी, है ना। तो हम देखें अगर जेड वन है, अगर जेड का वैल्यू वन आता है, इट मीन्स वो गैस जो है वो आइडली बिहेव कर रही है। अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन या फिर लेस देन वन आती है, इसका मतलब वो गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है। अगर ग्रेटर देन वन आया तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर लेस देन वन आया तो नेगेटिव डेविएशन, ओके, क्लियर। के बाद देखिए यहाँ पर ये देखो एट लो प्रेशर पर जो होता है, अगर आप लो प्रेशर पर स्टडी करोगे इसकी वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, दैट विल बी नियरली इक्वल टू वन। इट मीन्स एट लो प्रेशर गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, बट एट हायर प्रेशर जेड विल बी ग्रेटर देन वन, एंड एट मॉडरेट प्रेशर जेड विल बी लेस देन वन, ठीक है। तो मोस्टली जो गैसेज हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं जहाँ पर जेड लेस देन वन होता है। जेड का वैल्यू मोस्ट ऑफ गैसेज के लिए लेस देन वन होता है, सिर्फ कुछ फ्यू गैसेज के लिए ही जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, ठीक है, क्लियर। ये देखो ये सब क्या है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रही है, CO2, CH4, O2, थोड़ा सा N2 भी है ना, क्लियर। तो मोस्ट ऑफ द गैसेज ये हैं जेड लेस देन वन है। और हमने देखा था जेड ग्रेटर देन वन कौन कौन दिखा रहा था, हाइड्रोजन और हीलियम, पॉजिटिव डेविएशन। जेड ग्रेटर देन वन किसके लिए है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है, और जेड लेस देन वन किसके लिए होगा, CO2, CH4, O2, N2, है ना, इन सबके लिए लेस देन वन है, ओके। उसके बाद तो एक चीज याद रखना है कि लो प्रेशर पर गैस आइडली बिहेव करती है, और दूसरी चीज ये होती है कि लो प्रेशर पर के साथ साथ एक याद रखना चाहिए कि अगर उस टाइम वॉल्यूम गैस का बहुत ज्यादा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं वही बात कहूँ कि वी जो है, अब देखो यहाँ पर इस चीज को नेक्स्ट फ्रेम लेके आती हूँ, अगर मैं कहूँ कि वी माइनस एन बी है ना, आइडियल रियल गैस इक्वेशन में है ना, ये टर्म है ना वी माइनस एन बी, अगर मैं बोलूँ वी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वी का वैल्यू बहुत ज्यादा है कि सच दैट कि वी कैन नेगलेक्ट एन बी, ठीक है। अगर वी बहुत ज्यादा हो जाता है कि एन बी को हम नेगलेक्ट कर सकें, देन वी माइनस एन बी इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस एन बी इज नियरली इक्वल टू आपका वी, है ना, क्लियर। तो उस कंडीशन में आप जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तब हम वी माइनस एन बी को वी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब हम हमारी जो गैस है वो आइडली बिहेव कर रही है, क्योंकि आइडल गैस इक्वेशन में आपने देखा था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर वी माइनस एन बी अप्रोच करेगा वी को, इसका मतलब रियल गैस बिहेवियर अप्रोच कर रहा है आइडियल गैस को, ठीक है, ओके, क्लियर, ओके, डन। उसके बाद जेड को एक और टर्म में इन्होंने लिखा है, जेड को एक और टर्म में इन्होंने बताया है, एक मिनट लेट मी चेक इट, हां यस, जेड इज इक्वल टू, आप ये भी याद रखना, वी रियल ओवर वी आइडियल, ठीक है। रियल गैस के वॉल्यूम को अगर आप आइडियल गैस के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक बार इसको सारे को रीड करना है, समझना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके। सो क्रॉस कर दो उसको बुक में, एक पेंसिल से एक क्रॉस लगाते रहो, क्योंकि नेक्स्ट अगेन वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर इज ऑल्सो नॉट योर पार्ट ऑफ द सिलेबस, लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नॉट
in the syllabus now, है ना. Surface tension is not in the syllabus, but you should know something about surface tension, okay? Surface tension क्या होता है? देखो, ये मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दूँ, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है. ये आपके सिलेबस का पार्ट है. मैथमेटिकल इक्वेशन इसमें नहीं करनी है, सिर्फ आपको इसके बारे में लिटिल बिट कुछ पता होना चाहिए. सर्फेस टेंशन एंड विस्कोसिटी दो टर्म है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वो सिलेबस का पार्ट है, ओके. सर्फेस टेंशन क्या होता है? देखो, यूजली मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है ना, बल्क में है ना, लिक्विड के बल्क में है. तो अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर चारों तरफ से कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहे हैं? अदर मॉलिक्यूल्स जो इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है ना. अब इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो चारों तरफ से इसके ऊपर क्या लग रहा है? कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, क्लियर. तो अब देखो, जब इसके तरफ इसके पर चारों तरफ से इक्वल एंड बैलेंस इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स लगेगा, तो मतलब इसके ऊपर जो मतलब नेट फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना. अगर किसी मॉलिक्यूल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, चारों तरफ से, जैसे एक अपवर्ड जा रहा है तो एक नीचे भी लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है फोर्स तो एक इस तरफ लग रहा है, यू कैन सी, है ना, एरो शो कर रहा है आपके अट्रैक्टिव फोर्स के डायरेक्शन किस तरफ को लग रहा है, ठीक है, क्लियर. तो ओवरऑल नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना, जो मॉलिक्यूल बल्क में है. बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं, अब देखो ये कोई मॉलिक्यूल है सरफेस पर है. अब इस सरफेस, ये लिक्विड का सरफेस है, इसके ऊपर तो एयर है, लिक्विड तो नहीं है ना. तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से लगेगा? इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइड से लग सकता है ना, ये नीचे से लग सकता है. बट क्या ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें? ऊपर जो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अब लिक्विड है ही नहीं, लिक्विड नहीं है तो मॉलिक्यूल नहीं है. तो ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे लगेगा? किसी से भी नहीं लगेगा. मतलब यहाँ पर जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसके ऊपर इनवर्ड फोर्स ही लग रहा है, अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा. इससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल की टेंडेंसी रहेगी, है ना, मॉलिक्यूल एक नेट इन डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है. रिमेंबर कि सरफेस पर मॉलिक्यूल जो होगा वो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ओके, क्लियर. और इसकी जो एनर्जी होगी डेफिनेटली वो ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर. तो ये अब क्या करता है, एक मिनट, तो अब यहाँ पर एक बार मैं सरफेस टेंशन को डिफाइन कर देती हूँ. सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, क्लियर. तो पर यूनिट लेंथ पर, और इसको गामा से डिनोट करते हैं हम, दिस इज द सिंबल फॉर सरफेस टेंशन, गामा, ठीक है. पर यूनिट लेंथ पर कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, तो वो उस लिक्विड की क्या होगी? सरफेस टेंशन होगी, ठीक है. जैसे यहाँ पर ये है, इसकी हम पर यूनिट लेंथ देख लेंगे. ये सरफेस, ये लिक्विड का सरफेस है ना, ये सरफेस है यहाँ पे, मान लो पर यूनिट लेंथ, मान लो इतना यूनिट लेंथ है ना, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया, मतलब मैंने इतनी लेंथ पे देखा, ये मेरी यूनिट लेंथ है. इस यूनिट लेंथ में मैं देख रही हूँ कितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड ही लगेगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है आपका, क्या बोलते हैं दिस वन, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है सब ये एक डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, ओके, क्लियर. तो वो आपकी सरफेस टेंशन हो जाएगी. उससे क्या होगा, अगर सरफेस पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ना, तो सरफेस क्या करेगा? डाउनवर्ड की तरफ मूव करना शुरू करेगा ना. मैं यही फिर यूँ कहूँ कि सरफेस जो है खुद को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि वो नेट उसको उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो वो डाउनवर्ड मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो जो सरफेस एरिया होगा लिक्विड का, इन दैट केस वो खुद को लिक्विड सरफेस एरिया मिनिमाइज होगा, ठीक है, खुद को मिनिमाइज करेगा. इसलिए जो आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपके वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है ना, क्योंकि किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अगर आप देखो तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो सबसे मिनिमम होता है. और क्योंकि वो पानी जो है, जो वाटर की, जो वाटर जो है वो एक लिक्विड है, वहाँ पर भी इसी तरीके से सरफेस टेंशन लगती है और एक नेट इनवर्ड फोर्स पुल करने की वजह, एक नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेती हैं, सो दैट कि वो मिनिमम सरफेस एक्वायर करें. अगर मिनिमम सरफेस वो एक्वायर करेंगी तो वो उतनी ही कम सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस करेंगी, है ना,
और सरफेस टेंशन से तो देखो अब मॉलिक्यूल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड लग नहीं रहा, तो वो बैलेंस तो नहीं है ना, तो ये अनबैलेंस फोर्स है सरफेस टेंशन का जो है, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल इस ये मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेगा है ना कहीं, तो मॉलिक्यूल खुद को कैसे स्टेबलाइज करेगा, वो अपने आप को ऐसी शेप एक्वायर करेगा जिसमें उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, ठीक है, सो दैट कि वो सबसे कम से कम सरफेस टेंशन को एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है, ओके। अब कैपिलरी एक्शन भी इसी वजह से है और वाटर के ड्रॉपलेट्स स्फेरिकली इसी वजह से है, ठीक है, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। विस्कोसिटी, नेक्स्ट विस्कोसिटी, आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ जो लिक्विड होते हैं वो विस्कस होते हैं, कुछ लिक्विड विस्कस नहीं होते, हनी है, हनी बड़ा विस्कस है ना, क्लियर, बट पानी तो विस्कस नहीं है, ठीक है, ओके। तो विस्कोसिटी एक तो पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ इसको, तो यहाँ पर पहले तो हमने कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी देखना है ईटा, ठीक है, ईटा इसका, इसे ईटा बोलते हैं, इसकी वजह हमारा कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखनी, देखो ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये आपको कुछ लेयर्स दिख रही है ना, और ये लेयर्स में देखो बोल रखा है डी जेड, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी जेड, इन दो के बीच में डी जेड, एरिया इस प्लेट का ए लिया है, और उससे नीचे वाली जो प्लेट है वो उसकी यू माइनस डी यू, ये उसकी वेलोसिटी है, U माइनस डी यू क्या है इसकी सबसे नीचे वाली लेयर की, U किसकी है सेकेंड लेयर की, U किसकी है सेकेंड जो मिड वाली लेयर है ना इसकी वेलोसिटी है, और U प्लस डी यू किसकी है, U प्लस डी यू है आपकी अपर लेयर की, ठीक है। तो जो लिक्विड होता है एक्चुअल में वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में होता है, हमको तो लिक्विड एज इट इज दिखता है, बट अगर आप लिक्विड को कोई डीपली स्टडी करे या कैसे भी देखे किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो एक्चुअल में जो लिक्विड होता है वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो नीचे वाली लेयर होती है वो किसी सरफेस से कांटेक्ट में ही होगी ना, लिक्विड कहीं ना कहीं किसी कंटेनर में रखोगे ना उस कंटेनर के सरफेस से कांटेक्ट में होगी ना, तो जनरली अगर ये लिक्विड फ्लो करेगा, अगर ये फ्लो करने जैसे आपने पानी को फर्श पे डाला, आपने देखा होगा पानी तो एकदम से फ्लो करना लग जाता है ना, पानी को फ्लोर पे डाला और पानी ने एकदम से फ्लो करना शुरू कर दिया, बट अगर आप अगर आप हनी को डालो फ्लोर पे तो क्या हनी ऐसे फ्लो करेगा, नो, है ना, ठीक है, क्योंकि ये पानी, ये जो हनी के जो लेयर्स हैं ये जो मतलब जब वो फ्लोर के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी तो वो फ्रिक्शन फील करती हैं, ठीक है, तो ये जो नीचे की जो लेयर है सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फील करती है, इसलिए इसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है ना, जो ज्यादा फ्रिक्शन फील करेगी वो कम तेजी से मूव करेगी, है ना, सिंपल सी बात है, क्लियर ना। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ स्लिप होने की, तो मैं नॉर्मली स्लिप नहीं हो रही हूँ, ठीक है, अगर मैं आइस पर जाऊँ है ना, आइस पर स्लिप करने की कोशिश करूँ तो मैं बड़ी इजीली आइस पर स्लिप कर जाऊंगी, क्योंकि नॉर्मल जो फ्लोर है वो मुझे फ्रिक्शन ऑफर करेगा, आइस मुझे फ्रिक्शन ऑफर नहीं करेगा, इसलिए मैं आइस पर बड़ी इजीली स्लिप हो जाती हूँ, ठीक है। तो नीचे वाली जो लेयर है उसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि वो सरफेस के कांटेक्ट में होगी, उस कंटेनर के या उस पर्टिकुलर सिस्टम के सरफेस के कांटेक्ट में होगी, और वो सरफेस जब वो फ्लो करेगी वो सरफेस जो कंटेनर का होगा वो उसे फ्रिक्शन ऑफर करेगा, दैट इज वाई जो सबसे लो बिलो लोअर लेयर है वो सबसे कम वेलोसिटी के, दैट इज यू माइनस डी, ठीक है, जो मिड लेयर है उसकी वेलोसिटी होगी यू, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, यू प्लस डी यू, ठीक है, क्लियर। डी यू कुछ नहीं है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन यू, ठीक है, कुछ स्मॉल वैल्यू से ये 0.5 है, मान लो ये यू 1 हो गई है ना, तो थर्ड लेयर क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, तो जैसे जैसे सरफेस जो कंटेनर के सरफेस से लेयर्स दूर होती रहती है तो वैसे वैसे उनकी स्पीड भी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का नहीं करना है, आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं करना है दोनों में, सरफेस और विस्कोसिटी में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जस्ट रफ आइडिया है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, और उसके बाद एक चीज याद रखना कि जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना स्लोली लिक्विड फ्लो करेगा, ठीक है, आपको भी पता है, जैसे हनी मैंने बता दिया, इवन ग्लास इज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड है ना, ग्लास जो है
आपने तो ग्लास को ग्लास एक्चुअली में लिक्विड स्टेट में भी होता है ना, ठीक है, वो तो वो बाद में फर्दर सॉलिडिफाई हम कर देते हैं, बात अलग है, बट ग्लास लिक्विड सा होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर राइज करो, अगर आप हनी को गर्म करो, आप देखना कि अगर आपने हनी को गर्म किया तो जो उसकी आप वो क्या करेगा, बड़ी इजीली अब आप उसमें वो मूव करा सकते हो। मतलब अगर आप देखो ना, हनी को गर्म करने के बाद अगर आप उसको कहीं फैलाओ, है ना, स्प्रेड करो हनी को, तो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है हनी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था मूवमेंट के लिए, है ना, मूवमेंट की में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर विस्कस लिक्विड फ्लो नहीं कर पा रहा था, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा जब आप टेम्परेचर रेज करोगे, ठीक है, ओके, क्लियर। तो इट इज दिस ऑल अबाउट आपकी विस्कोसिटी। और याद रखना विस्कोसिटी की एक मैं आपको ऐसे बता दूं, SI यूनिट को आप याद रखना, ठीक है। ऑल दो हम दो यूनिट को फॉलो करते हैं, एक तो पॉइस, ये तो CGS यूनिट है पॉइस, ठीक है, एंड SI यूनिट है इसकी 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, इसको हम पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, SI यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं करना है, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। टुमारो वी विल डू चैप्टर नंबर 6, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। इसे क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करो और इसको अच्छे से थॉरली रिवाइज करो।